हेलो एवरीवन आई एम प्रियंका गौर वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस तो आज हम रेस्टोरेशन कॉमेडी के जो प्ले राइट्स रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम विलियम कॉन्ग्रीव को पढ़ेंगे अब क्वेश्चन ये आता है कि रेस्टोरेशन कॉमेडी को किस तरीके से आपने पढ़ना है किस तरीके से गो थ्रू करना है आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे रेस्टोरेशन कॉमेडी से तो देखिए सबसे पहले तो आपको थीम याद रखनी है हर एक वर्क की सेकंड आपको कैरेक्टर्स के नाम याद रखने हैं और कैरेक्टर्स के नाम में ज़्यादातर आपसे फोली कैरेक्टर्स या फिर एम्यूजिंग जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम ज़्यादातर पूछे जाते हैं या सर्वेंट्स के नाम ज़्यादातर पूछे जाते हैं सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रिच क्लास सोसाइटी और अपर क्लास सोसाइटी तो अब उनके पास नौकर चाकर तो होते ही हैं तो हर एक वर्क में आपको सर्वेंट्स के नाम याद रखने हैं प्लस आपसे सब टाइटल पूछे जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सब टाइटल ज़रूर पूछे जाते हैं आपसे तो अगर हम रेस्टोरेशन कॉमेडी के सभी वर्क की बात करें ऑलमोस्ट 80 टू 90 परसेंट वर्क्स के सब टाइटल हैं तो आपको सारे के सारे सब टाइटल याद रखने हैं ओके तो अभी हम बात करते हैं विलियम कॉन्ग्रीव के बारे में विलियम कांग्रीव लाइसमैन वॉज सिक्सटीन सेवेंटी टू सेवनटीन ट्वेंटी नाइन ही वॉज द सुप्रीम मास्टर ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स एज आई सेड अर्लियर दैट कि ये बादशाह रहे हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स के हिज प्लेज आर फेथफुल रिफ्लेक्शन ऑफ द अपर क्लास लाइफ ऑफ हज डेज दैट मीन्स ही हैज गिवन अ वेरी रियलिस्टिक पिक्चर अबाउट अपर क्लास सोसाइटी अबाउट डैंडी पीपल सो यू कैन से दैट वी कम टू नो द रियलिटी अबाउट एंड ओल्डली फैशनेबल पीपल और अबाउट द अपर क्लास सोसाइटी थ्रू हिज वर्क ओनली ही वॉज़ अ माइनर पोलिटिकल फिगर इन ब्रिटिश विग पार्टी ये ब्रिटिश विग पार्टी से बिलोंग करते थे इसीलिए इन्होंने पोलिटिकल फिगर में माइनर रोल प्ले किया है सो सेंस ही बिलोंग टू यू नो विग पार्टी और ही सपोर्टेड विग पार्टी दैट इज़ वाई ही हैड प्लेड नॉट मेजर बट अ माइनर रोल इन पोलिटिकल फिगर कॉन्ग्रीव यूज द स्यूडोनिम क्लियोफिल नो वट इज़ द मीनिंग ऑफ स्यूडोनिम स्यूडोनियम इज़ अ फिक्शनल नेम विच राइटर यूज वेन ही पब्लिश हिज वर्क ओके मोस्टली क्या होता है कि राइटर यू नो यूज हिज फिक्शनल नेम रादर देन यूजिंग हिज ओरिजिनल नेम टू पब्लिश अ बुक दैट मीन्स कि कोई राइटर जब अपना औरिजिनल नाम ना यूज़ करके एक फ़िक्शनल नाम लेता है और उस फिक्शनल नाम से अपनी बुक को पब्लिश कर देता है उसे स्यूडोनिम कहा जाता है ओके okay? वेन कांग्रीव वो सेवनटीन ईयर्स ओल्ड एट अ वेरी अर्ली एज ही रोट इन कांग्नेटा इन कांग्नेटा वर्क का एक सब टाइटल है लव एंड ड्यूटी रिकनसाइल्ड ओके अब जो ये वर्क है ये वर्क इन्होंने कांग्रीव ने अपने नाम से पब्लिश नहीं किया राधर ही यूज अ वेरी फिक्शनल नेम और ये फिक्शनल नेम था क्लियोफिल तो इन्होंने क्लियोफिल नाम को यूज़ किया और इस नाम से इन कोग्नेटा और लव एंड ड्यूटी रिकनसाइल्ड को पब्लिश किया था 1692 में ओके okay, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अंडर विच फिक्शनल नेम कॉन्ग्रीव पब्लिश्ड दिस वर्क इनकॉग्नेटा सो कौन सा नाम है क्लियोफिल तो कॉन्ग्रीव ने ये फिक्शनल नेम यूज तो किया बट दिस वर्क इनकॉग्नेटा गेव हिम लॉट ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन अमंग मैन ऑफ लेटर्स और इनको लिटररी वर्ल्ड में एक एंट्रेंस देखने को मिला क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी फेमस हो गए थे इनकी एक जान पहचान हो गई थी मैन ऑफ लेटर्स में जितने उस टाइम पर राइटर्स थे उनमें इनका नाम हो गया था एक तो ये वर्क इन्होंने सेवनटीन ईयर्स की एज में लिखा और ऊपर से ये वर्क काफ़ी अच्छा था ही बिकेम अ डिसाइपल ऑफ जोन रैडन ये जोन रैडन के डिसाइपल रहे और ये जोन राइडन से मिले थे एक लिट्रे सर्कल्स में जहाँ पर सभी मैन ऑफ लेटर्स की एक मीटिंग हुई थी ओके okay? अब जोन राइडन ने कॉन्ग्रीव को थ्रू आउट इज़ लाइफ सपोर्ट किया है तो कॉन्ग्रीव ने कुछ ट्रांसलेशंस लिखी थी उन ट्रांसलेशंस को जोन राइडन ने अपनी पोएम में इंक्लूड किया तो उस पोएम का नाम है एग्जामिन पोइटिकम जॉन ड्राइडन ने ये वर्क लिखा ये पोएम लिखी एग्जामिन पोइटिकम इस वर्क में जॉन ड्राइडन ने कॉन्ग्रीव की ट्रांसलेशंस को भी इंक्लूड किया है इसमें कॉन्ग्रीव की ट्रांसलेशंस का भी कलेक्शन है ओके तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये ध्यान रखना ड्राइडन न्यू द कॉन्ग्रीव वॉज रियल मास्टर ऑफ दिस मोड ड्राइडन को पता था कि जो कॉन्ग्रीव है ये टैलेंटेड बंदा है लाइक ये मास्टर लिख सकता है तो इसी वजह से ड्राइडन ने कॉन्ग्रीव को बहुत एडमायर भी किया है क्योंकि कांग्रीव के वर्क बहुत फेमस रहे हैं उस टाइम पर अब देखिए जो ड्राइडन है उन्होंने कॉन्ग्रीव को एडमायर किया बहुत वर्क में लेकिन एक वर्स जो इन्होंने स्पेसिफ़िकली मिस्टर कांग्रीव के लिए लिखा वो था टू माय फ्रेंड मिस्टर कॉन्ग्रीव अब ये क्वेश्चन आता है कि ड्राइडन ने ये वर्क टू माई फ्रेंड मिस्टर कॉन्ग्रीव कब लिखा तो ये वर्क इन्होंने तब लिखा था जब कोंग्रीव की कॉमेडी पब्लिश हुई थी द डबल डीलर ओके तो कोंग्रीव ने जा uh, कोंग्रीव ने जब द डबल डीलर को पब्लिश किया उस टाइम पर ड्राइडन ने कोंग्रीव को एडमायर किया अपने वर्स में टू माय फ्रेंड मिस्टर कोंग्रीव में ओके okay? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना वेन कॉन्ग्रीव वॉज ट बाय अक्रिटिक जेरेमी कॉलियर इन अ शॉर्ट व्यू ऑफ़ इमोरेलिटी एंड प्रोफेयरनेस ऑफ द इंग्लिश स्टेज दैट मीन्स कि जेरेमी कोलियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो आई थिंक कि जेरेमी कोलियर ने कुछ राइटर्स को अटैक किया था इस वर्क में अब जेरेमी कोलियर ने इसलिए अटैक किया था कि जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है इसमें ज़्यादातर सेक्शुअल टॉक्स होते हैं कुछ ढंग की बातें नहीं होती और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी सेक्शुअल टॉक्स और इन सब चीज़ों के बारे में बात होती है जो कि इमोरेलिटी शो करती है ओके okay? तो इस इसीलिए जेरेमी कॉलियर ने कुछ प्ले को अटैक किया था जो भी इस टाइप का जोनरा लिखते थे अब उनमें से जो विलियम कॉन्ग्रीव जिनके डिसाइपल रहे हैं किसके डिसाइपल रहे हैं जॉन ड्राइडन के तो जॉन ड्राइडन को भी अटैक किया था जेरेमी कॉलियर ने तो ड्राइडन ने तो माफ़ी मांग ली थी इस चीज़ के लिए लेकिन कॉन्ग्रीव ने माफ़ी नहीं मांगी बल्कि कॉन्ग्रीव ने इस वर्क के बाद जर्मी कोलियर को रिप्लाई दिया अमेंडमेंट्स ऑफ मिस्टर कॉलियर्स फॉल्स एंड इम परफेक्ट सिटेशंस के द्वारा ठीक है सो ही रोट दिस वर्क इन रिप्लाई टू अ शोर्ट ऑफ इमोरलिटी सो दिस वर्क वॉज अमेंडमेंट्स ऑफ मिस्टर कॉलियर्स फॉल्स एंड इम परफेक्ट सीटेन्स तो ये भी आपको याद रखना है विलियम कांग्रीव फर्स्ट कॉमेडी वॉज द ओल्ड बैचलर ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनकी फर्स्ट कॉमेडी कौन सी थी द ओल्ड बैचलर जो प्रोड्यूस की गई थी 1693 में मेन कैरेक्टर्स की बात करेंगे समरी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समरी आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं अगर आप चाहते हो समरी बनवाना तो फिर मैं वो भी बना दूंगी बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ओके इसमें जो ओल्ड बैचलर है जो टाइटल है ओल्ड बैचलर वो कौन है वो है हार्टवेल हार्टवेल फॉल्स इन लव विद सिल्विया नॉट नोइंग दैट शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट। हार्टवेल सिल्विया के प्यार में पड़ जाते हैं पर इन्हें ये नहीं पता होता कि सिल्विया रियलिटी में एक प्रोस्टिट्यूट है इसमें एक और कैरेक्टर है जो बहुत बार पूछा जाता है फोंडल वाइफ और एक अमेजिंग कैरेक्टर है फुलिश नाइट जिनका नाम है सर जोसेफ विटॉल इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेक्स्ट इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क आया दैट इज़ लव फॉर लव इसमें जो कैरेक्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाते हैं मिस्टर टार्टल मिस प्रूई बहुत बार पूछा जाता है वैलेंटाइन और वैलेंटाइन का जो सर्वेंट है सर सैमसन ठीक है आगे है इनकी कॉमेडी द डबल डीलर फिर इन्होंने एक ट्रेजेडी लिखी द मॉर्निंग ब्राइड जब ये मॉर्निंग ब्राइड इसको जब प्रोड्यूस किया गया उस क्रिएशन के टाइम पर यह बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही जब इसे परफॉर्म किया गया ऑडियंस ने बहुत अप्रिशिएट किया इस वर्क को बहुत अप्रिशिएट किया गया था लेकिन आयरनी देखो कि आज के टाइम पर यह कोंगरीव का सबसे लीस्ट रिगार्डेड ड्रामा है फिर इनका जो एक मास्टर आया द वे ऑफ द वर्ल्ड जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं ये प्रोड्यूस की गई 1700 में कॉन्ग्रीव की यह लास्ट एंड फाइनेस्ट कॉमेडी थी दिस प्ले वॉज अ फेलियर एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन देखिए जैसे हमने मॉर्निंग ब्राइड में देखा कि वो प्रोडक्शन के टाइम पर बहुत पॉपुलर थी लेकिन आज के टाइम पर लिस्ट रिगार्डेड है ऐसी अगर हम वे ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो ऑन द कॉन्ट्रेरी वे ऑफ द वर्ल्ड उस टाइम पर जब प्रोडक्शन के टाइम पर क्रिएशन के टाइम पर बिल्कुल भी फेमस नहीं हुई लीस्ट रिगार्डेड थी लेकिन आज के टाइम पर यह सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला वर्क है विलियम कॉन्ग्रीव का दिस प्ले वॉज़ फेलियर ऐट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन बट इट इज़ सीन एज़ वन ऑफ इज मास्टर पीसीज टूडे मतलब आज के टाइम पर इसको मास्टर पीस के नाम से जाना जाता है और जो भी इनके मास्टर पीसेज रहे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा फेमस है द वे ऑफ द वर्ल्ड इसके मेन कैरेक्टर तो आप सभी लोग जानते होंगे ये तो लाइक बहुत फेमस वर्क है ज़्यादातर आपने इसके समरी पढ़ी ही होगी तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है मीराबेल मिलामेंट एराबेला एंड लेडी विश्फोर्ट तो यहाँ पर हम विलियम कॉन्ग्रीव का जो इम्पोर्टेंट डिस्कशंस था वो ख़त्म करते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है बस आपको इसमें ज़्यादातर मैंने बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आपको ध्यान में रखना और उस तरीके से इनके वर्क को भी पढ़ना है ओके okay, तो मैंने फ़ाइव थाउज़ेंड क्वेश्चन सीरीज़ एम सी क्यूज़ जो हैं वो ब्रिटिश लिटरेचर के मैंने स्टार्ट किए हुए हैं आप उस वीडियो को ज़रूर देखना मैं उसकी वीडियोस फटाफट से डेली डालना स्टार्ट करूंगी अपलोड डेली करूंगी उसको मैं और वो 5000 एमसीक्यूज हम फटाफट से सॉल्व करेंगे ओके okay? आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं और और मुझे अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी पी शेयर की हुई हैं और आपको जो भी क्वेश्चन आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं या फिर कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं सो आई विल रिप्लाई यू श्योरली और आपको मेरा चैनल मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस साइड प्रियंका गौर आई विश यू ऑल द बेस्ट कीप लर्निंग